असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शहर में 316.11 करोड़ रुपए की लागत से बने 2.28 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। सरमा ने आरजी बरुआ रोड पर गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज से सुंदरपुर तक और मदर टेरेसा रोड से गीता मंदिर की ओर श्रद्धांजलि फ्लाईओवर राज्य के लोगों को समर्पित किया। सरमा ने कहा, दुर्गा पूजा से पहले नीलाचल फ्लाईओवर और श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन करने की स्थिति में आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। दोनों फ्लाईओवर से यातायात सुचारू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी एलजी तमिलिसाई सुंदर राजन ने आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिलकर को श्रद्धांजलि दी, जिनका चेंगलपट्टू जिले में निधन हो गया था। बंगारू आदिलकर को मेलमारुवथुर में अरुलिमगु आदिपराशक्ति मंदिर के गर्भगृह के अंदर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देकर एक क्रांति शुरू करने के लिए जाना जाता था। उन्हें सरकार ने 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। Allotted each day for each of his Valibattu Sangam so that the women are much experienced in administration. And he used to conduct free medical camps every Sunday. So as a student, I used to come to this shrine to conduct, to take part in the medical camps, to do service. So whenever he see me, in your younger age, you served this place. So only God has made you to occupy this position. Often he says, and he is always supportive to me. And because of his service activity only, our Honorable Prime Minister wanted to meet him. So he met him and he was rewarded with the Padma Shri. So a religious, spiritual revolution was made by him. सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी से दिवंगत गायक के पिता दुखी हो उठे हैं। साथ ही उन्होंने लॉरेंस विश्नोई के मौन पर भी हैरानी जाहिर की है। दिवंगत गायक के पिता बलकौर सिद्धू ने अपने बेटे की हत्या के मामले में आरोपियों की वर्चुअल पेशी पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि दोषी शारीरिक रूप से अदालत में पेश होंगे। सिद्धू मूसेवाला के लिए इंसाफ की रात देख रहे पिता बलकौर सिद्धू ने कहा, हमें आश्वासन दिया गया था कि आरोपियों को शारीरिक रूप से पेश किया जाएगा, लेकिन उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस पर भी ठीक से पेश नहीं किया गया। आज 25 आरोपियों में से 22 को पेश किया गया। लॉरेंस विश्नोई ने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने मौन धारण किया हुआ था। हम स्थिति में बहुत असहाय हैं। मामले पर अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। पेश होना है, उन्हें नहीं कदों बोलना है या नहीं बोलना है। असी तां बल एक बेबस जे नजर आ रहे हैं। मलकजगिरी स्पेशल ऑपरेशन टीम और किसरा पुलिस ने 3 गांजा तस्कर को पकड़ा, जो एक मिनी ट्रक में 8 लोहे के खंबे के बक्सों में छुपाकर ओडिशा से शहर में 430 किलोग्राम गांजा की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने मोहन राठौड़, पेद्दा बाबू राव और मदेला रमेश को गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य लोग भाग निकले। मेटचल मलकजगिरी अधिकारियों ने कहा कि स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकजगिरी जोन के अधिकारियों ने किसरा पुलिस के साथ मिलकर गुरुवार को ओडिशा से हैदराबाद तक 430 किलोग्राम गांजा ले जाने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति हरमू के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। मौके पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी। मुख्यमंत्री ने मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर साल की भांति इस साल भी हम लोग इस महान पर्व के इंतजार में रहते हैं और अब विधिवत रूप से पंडालों के पट खुल रहे हैं, माता के दर्शन हो रहे हैं। माता से विनती है कि झारखंड को आशीर्वाद दे और सुख समृद्धि और संपन्नता प्रदान करे। हम सब लोग इस महान पर्व के इंतजार पे रहते हैं। आज विधिवत रूप से पूजा पंडालों का पट खुल रहा है।
माँ का दर्शन भी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एशियन गेम्स में हरियाणा का डंका बजाने वाले 22 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक जीतने वाले को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज पदक विजेता को 75 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और नौकरी का ऑफर लेटर देकर सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि एशियन गेम्स में देश ने 107 पदक जीते हैं, इनमें से 33 पदक हरियाणा के 44 खिलाड़ी लेकर आए हैं। इनमें से 22 खिलाड़ियों को कार्यक्रम में सम्मानित किया है। देश को कुल 41% तक पदक जिताने में हरियाणा का योगदान है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार की तरफ से पंचकुला में और झज्जर में 2 नई शूटिंग रेंज खोली जाएंगी। फरीदाबाद और यमुनानगर में तीरंदाजी रेंज खोलेंगे। इसके अलावा पदक विजेताओं को वीटा घी का एक टिन देने का भी ऐलान किया गया है। गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा देता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं, नौकरी की सुविधाएं भी जो मेडलिस्ट हैं उन सब के लिए हमने तय की हैं। और इसी प्रकार से जो एशियन गेम्स हैं इसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट को, जैसे आज आपने देखा 3 करोड़ रुपए की राशि ये गोल्ड मेडलिस्ट को मिलती है। आज जो आज 44 खिलाड़ियों को जो नगद राशि दी गई है, आज तो एक टोकन जैसा होता है, इसके बाद इनके खातों में राशि शाम तक ही पहुंच जाएगी, वो 81 करोड़ रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के दी है, कुल 81 करोड़ रुपया है। अब एक सुझाव मेरे मन में आया, किसी ने कहा कि अच्छी बात है खिलाड़ियों को। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गोविंदपुरा सीट से रविंद्र साहू को मैदान में उतारा है। एनआई से बातचीत करते हुए रविंद्र साहू ने फैसले के लिए मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि पार्टी ने पिछले 4.5 वर्षों में उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण उन्हें चुना। उन्होंने कहा, मैं मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मेरी 28 साल की कड़ी मेहनत को देखकर बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक साधारण कार्यकर्ता को उम्मीदवार के रूप में चुना। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। गोविंदपुरा पिछले 43 साल से एक ही परिवार और एक पार्टी को विजय बना रहा है, लेकिन हमने पिछले 4.5 साल में काम किया है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। तो ये हमें पूरा पूर्ण विश्वास है और मेरे कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हम मिलकर इस बार बदलाव करेंगे, परिवर्तन की लहर है। मुश्किल है, लेकिन क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा। इस क्षेत्र में कोई भी सरकारी स्कूल बहुत अच्छा नहीं है, पिछले 43 साल होने के बाद भी ना कोई सरकारी बहुत अच्छा अस्पताल है। दूसरा सड़क एक मेन मुद्दा है। जब भी सिर्फ घोषणा करके सड़क, 3-3 साल से लोगों की सड़क नहीं बनी है। पूरे क्षेत्र जितनी भी अवैध कॉलोनी है उसके आसपास कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। लोगों के पास जल की कोई, नर्मदा जी का जल का वादा किया था 24 घंटे का, आज तक नर्मदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ RRTS गलियारे के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में यात्रा सुगम बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद और दुहाई डिपो स्टेशन को जोड़ने वाली नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत है। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। प्रधानमंत्री को यात्रियों और ट्रेन के चालक दल सदस्यों के साथ भी बात करते हुए देखा गया। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस विधानसभा सत्र को लेकर पहले ही विवाद छिड़ा हुआ है। राजभवन की तरफ से पंजाब सरकार को पहले ही चिट्ठी भेजकर कहा गया था कि अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो वो गैर कानूनी होगा। वहीं अब विधानसभा सत्र के इस विवाद में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि उनकी पार्टी की मीटिंग हुई, उनके विधायक विधानसभा सत्र में भाग लेंगे। वहीं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने राज्यपाल बनवारी पुरोहित से सवाल किया कि ये तीसरा विधानसभा का सत्र है जो वो अवैध कह रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने कहा, मेरा उनसे अनुरोध है कि इस सब में पंजाब के लोगों का समय बर्बाद करने के बजाय स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, ताकि वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। गैर संवैधानिक सेशन है आज, उन्होंने पिछला जो सत्र था 2 दिन का स्पेशल सेशन गैर संवैधानिक, और आज वाला जो सत्र है अब भी ये कहा क्या गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक के ऊपर मोहर नहीं लगाएगा गवर्नर, अगर नहीं लगाएगा तो काम वहीं का वहीं है, वो कागज़ रह जाएंगे। पहले भी बहुत सारे जो बिल थे वो लटके हुए हैं, बातें लटकी हुई हैं, तो मेरे को लगता है केवल
जनता को मूर्ख बनाने के लिए हम विधानसभा सत्र नहीं बुलाएं, उसका कोई मायने होना चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए। हाँ, नहीं तो बहस हम खुले ग्राउंड में भी कर सकते हैं, रादर देन स्पेंडिंग 70-75 लाख रुपया खर्च करने हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, तो ये है। तो क्या लगता है कि आज मिलेंगे आप गवर्नर से, मिल सकते हैं? लेट्स सी, अभी हमारी मीटिंग है 10:30 बजे, CLP साहब आ रहे हैं, हम सब लोग इकट्ठे होके आपस में बातचीत करें। तेलंगाना के रंगारेड्डी में आज सोमवार को भीषण आग लगने की घटना सामने आई है कि यहाँ एक दुकान आग की लपेटों से घिरी हुई है। बताया जा रहा है कि आग तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के वनस्थली पुरम इलाके में एक दुकान में लग गई। इस दौरान दुकान में आग की लपेटों और काले धुएं के गुब्बार को देख अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच घटना के बारे में दमकल विभाग को सूचना दी गई। मिली जानकारी के अनुसार दुकान में आग आज सुबह में लगी है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और दुकान में लगी आग को बुझाने का अभियान शुरू कर आग को बुझाया जा रहा है। आग स्कूल बैग, लगेज बैग समेत अन्य सामान बेचने वाली 2 शटर वाली दुकान में लगी। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। पानी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ता बोल के दूसरा गाड़ी भी मंगाया, बाजू वाला ऑलमोस्ट नियर अबाउट 200-300 शॉप्स रहता अंदर पूरे मिला के, जो लार्ज वाले जो जब सबको रेस्क्यू करके इमिडिएट उन लोगों को बाहर भेजा के एक ओनली सिंगल शॉप बर्न हुआ, बाकी पूरे नियर अबाउट सब शॉप सेफ है।